दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि NVS में आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज के ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी की गई नई भर्ती के बारे में, जिसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 की ये बड़ी भर्ती होने जा रही है जो कि NVS की तरफ से है, नवोदय विद्यालय की तरफ से है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन 100% रिलीज कर दिया गया है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फ्रेंड्स आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की बम्पर वैकेंसी की जो निकाली जा रही है NVS की तरफ से, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि 3978 पदों पर यह बम्पर भर्ती की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि साल 2022 की बड़ी भर्ती है। और दोस्तों ये जो भर्ती है संपूर्ण भारत के लिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, जिसके लिए मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि इसके आवेदन कब से कब तक शुरू होंगे और कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होगा, सारी जानकारी आपको देते हैं। सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर tipswarilbus.xyz पर। फ्रेंड्स आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई करें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भर्ती की अपडेट है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि लोकसभा में यहाँ पर काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, जिनके यहाँ पर जवाब भी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जवाब के तौर पर यहाँ पर एक PDF है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। 3978 वैकेंसी यहाँ पर है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 13 दिसंबर को यहाँ पर जवाब दिया गया है। ठीक है, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है जो कि NVS की भर्ती के लिए है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछे गए थे 30 सितंबर को, जिसके जवाब यहाँ पर आए हैं 13 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसी आने वाली है, वो सारी जानकारी यहाँ पर है। जैसा कि आप देखते हैं आंध्र प्रदेश से है, AN आइसलैंड से है, आसाम से है, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, चंडीगढ़ से है, दिल्ली से, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टेट वाइज सारी जानकारी है, जैसा कि गोवा में कितनी वैकेंसी है, हरियाणा में कितनी वैकेंसी आएगी। सबसे ज्यादा वैकेंसी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, तो वो वैकेंसी निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है 294 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जल्द ही फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी समय से काफी सारी पेंडिंग वैकेंसियां हैं जो कि नवोदय विद्यालय की तरफ से है, उनके सारे के सारे सवालों के जवाब यहां पर मिल चुके हैं और जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। जी हां दोस्तों, इसके आवेदन जल्द ही ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा की तरफ से रिलीज किया गया है। काफी सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं तो आपको पूरी जानकारी भी मिल सकती है। ठीक है, वहीं दोस्तों यहाँ पर आप आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट से, आप चाहें तो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि पंजाब के लिए 110 है और राजस्थान के लिए भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि राजस्थान के लिए 110 है, माफ कीजिएगा पंजाब के लिए केवल 90 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर और भी अदर स्टेट्स हैं, जैसे कि मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, सभी स्टेट की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट, 2022 की ये बम्पर वैकेंसी है जिसकी तैयारियों में अभी से लग जाइए, कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, आवेदन भी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, बीएड पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तैयारी में लग जाइए, जल्दी इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं। कम से कम एज लिमिट का क्राइटेरिया होगा 18 साल का, अधिकतम के लिए नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए अपडेट, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you so much.